हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास टेंथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्लास टेंथ का है और आर एस अग्रवाल बुक है उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, क्लास टेंथ का है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए। अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर शायद 20 है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 20 है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाते हैं तो आराम से इसका आंसर आएगा। पहले एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखिए। डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स, 16 को दो पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, 16 को दो पार्ट्स में बांटना है, सच डैट, इस प्रकार कैसे बांटना है यहाँ बताया हुआ है, सच डैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। 16 को आप जो बांटिएगा, मान लीजिए 16 को हम दो पार्ट में कैसे बांट सकते हैं, एक x, एक 16 माइनस x, इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो कह रहा है उसमें से जो बड़ा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, जो उसमें से बड़ा पार्ट है उसका स्क्वायर का दुगुना पार्ट एक्सीड मतलब ज़्यादा है, वो जो पार्ट है ज़्यादा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। जो एक तो बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, तो जो बड़ा पार्ट है उसका स्क्वायर, उसका दुगुना कीजिए, वो छोटे पार्ट के स्क्वायर के स्क्वायर से 164 ज़्यादा है। कहने का मतलब, जैसे हमारा x माने थे, एक 16 माइनस x माने थे, कह रहा है जो x है ना, इसका स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर होगा, इसका दुगुना ये ज़्यादा है किससे, 16 माइनस x, जो स्मॉलर पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस 164, इस 16 माइनस x से 164 ज़्यादा है। एक तो ये इक्वेशन बन सकता है हमारा कि 2x² = 16 माइनस x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 164 कर दीजिए, एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या बनेगा कि 2x², यही हमारा ज़्यादा है छोटे वाले पार्ट से, 16 माइनस x का स्क्वायर से ज़्यादा है कितना, 164। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि जो बड़ा पार्ट है उसके दुगने का स्क्वायर का दुगना जो है छोटे पार्ट से 164 ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, इसमें से ज़्यादा का मतलब क्या, घटाएंगे ना तो 164 ज़्यादा जाए। ऐसे इक्वेशन बना सकता है, जब इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीबीएसई में पूछा गया तो आगे भी पूछ सकता है। देखिए 16 को दो पार्ट में बांटना है, मान लेते हैं हमारा 16 है, ठीक है, एक पार्ट हमारा हो गया x, एक पार्ट हो गया हमारा 16 माइनस x, ठीक है, इसको हम लार्जर पार्ट मान लिया, लार्जर पार्ट। बोर्ड में आप किस प्रकार से बनाइए, हम वैसे बता रहे हैं इसको लार्जर पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर पार्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जर पार्ट का स्क्वायर का दुगुना ये कर दिए, स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर जो है ठीक है, इससे 164 ज़्यादा है। तो मतलब क्या दोस्तों, अगर कोई पाँच चार से कितना ज़्यादा हो सकता है, एक ज़्यादा हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, पाँच बराबर चार प्लस एक, एक तो ये लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पाँच जो है चार से एक ज़्यादा है, तो 5 - 4 = 1, ये भी लिख सकते हैं। तो या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जिसमें आपको सुविधा हो। तो हमारा इससे इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा कि 2x² - 16 - x² ये ज़्यादा है कितना, 164 ज़्यादा है, कि जो बड़ा पार्ट है हमारा 16 को जो डिवाइड किया उसमें से उसका जो स्क्वायर किया उसका दुगना किए हैं, उसमें जो बड़ा पार्ट है वो छोटे पार्ट के स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, ऐसे हम कह सकते हैं। यही जो छोटा पार्ट उधर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्लस में आ जाएगा, इससे तो और हमको पता चल जाएगा कि ये जो बड़ा पार्ट है उसे 164 ज़्यादा है। तो एक तो ये इक्वेशन बना सकते हैं, या किसी को अगर ऐसा कर रहा है कि 2x² जो है छोटे के x माने 16 के स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, कोई ऐसे भी इक्वेशन लिख सकता है। इसको हम और अच्छे से नीट एंड क्लीन इक्वेशन लिख देते हैं कि जो हमारा 2x² है इक्वल टू 16 - x छोटे के स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, एक यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, तो देखिए बात बराबर है, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, यहाँ ये जो पार्ट है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में ही जाएगा ना, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में आएगा। अब हमको वो दोनों पार्ट निकालना है, हमको निकालना है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट 164, हमसे मतलब अब 16 को जो दो भाग में डिवाइड किए हैं वो दोनों भाग हमको निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं कहीं बनेगा वैसे तो दिख ही रहा है, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, दोनों बराबर एक ही इक्वेशन है, 2x² का 2x², ठीक है, माइनस का माइनस रन दीजिए, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, तो a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, a² + b² - 2ab, उसी भी इसको तोड़ेंगे
तो क्या हो गया 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए बी 16 32, ये 32 का एक्स हो गया इक्वल टू 164। अब क्या कीजिए, देखिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ जो माइनस है ना ये माइनस इस सब से मल्टीप्लाई होगा, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या निकलेगा 2x² माइनस 256, ये माइनस आप माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 32x इक्वल टू 164। 164 को भी हम इधर ले आते हैं, पहले अरेंज कर लेते दोस्तों। देखिए यहाँ 2x² है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 2x² में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा x square प्लस का 32x प्लस का 32x, ठीक, माइनस का 256 और 164 को हम इधर ले आते हैं तो प्लस वाला है तो इधर आएगा माइनस इक्वल टू 0। ऑल राइट, यहाँ से आप तोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और दोनों को माइनस 256 माइनस 164 करेंगे तो 6 4 10, 6 5 11 12, 2 1 3 1 4, माइनस का 420 बराबर 0। अब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया ना, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के फॉर्म में आ गया है। तो माइनस 400 मिडिटल स्प्लिट से हम एक्स पता कर सकते हैं, या तो डी बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से कर सकते हैं, या तो सीधे यहाँ पर मिडिटल में स्प्लिट कर दीजिए। तो मिड टर्म स्प्लिट अगर कीजिएगा 420 को हमको तोड़ना पड़ेगा, 420 को तोड़िए 210 105 तीन से लगेगा आप 35 दिया 105 5 7 35, यहाँ देखिए 7 3 21 दुना 42 42 को 10 से 42 गुने 10 और 42 में से 10 गया तो हमको 32 भी आ जाएगा। तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं 42 और 10 के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 42x माइनस का 42 420 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 प्लस का 42 कॉमन लीजिए, x माइनस का कितना हो जाएगा 42 जाएंगे 420 बराबर का 0। ऑल राइट, यहाँ से बस अब x निकालना है, लिख सकते हैं हम x माइनस 10 और इंटू एक्स प्लस का 42, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा प्लस का 10, इधर हो गया x प्लस 42 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 42। माइनस हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 16 को हम ऐसे थोड़ी 42 में थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो x बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया हमारा माइनस का 10। तो यहाँ से देखिए अब आते हैं यहाँ पर, x हमारा कितना निकल गया, x हमारा निकल गया 10, तो 16 में से x घटाएंगे, ये सबको पहले मिटा देते हैं, 16 में से x घटाएंगे तो 16 में से 10 घटाइएगा कितना आएगा 6 आ जाएगा, 16 में से 10 गया तो 6, तो एक संख्या आ गया हमारा 10, एक संख्या आ गया कितना हमारा 6। बड़ा वाला हम पार्ट माने थे x को, तो x कितना आ गया हमारा 10, और छोटा वाला पार्ट माने थे 6 को, तो 6 छोटा वाला कितना आ गया हमारा 6 आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है, नहीं आपका आपका मन कर रहा है कि नहीं हम इसको क्रॉस चेक करें कि जो क्वेश्चन करा तो वो सही हुआ कि नहीं है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, जो लार्जर पार्ट है, लार्जर पार्ट हमारा कितना है 100 है, इसको स्क्वायर कीजिए उसका दुगना कीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का दुगना 200 ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है, किससे, लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट कितना है हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36 होगा बराबर कितना है 164, इतना ही तो ज़्यादा था ना, तो 200 में से 36 घटाएंगे तो 164 बराबर 164, LHS बराबर RHS, मतलब इक्वेशन कहीं ना कहीं हमारा सही था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, क्लास 10th का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।